हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है क्लच, गियर और ब्रेक यूज़ करने में, और स्टेयरिंग कैसे कंट्रोल करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड जजमेंट कैसे लेंगे, सारी चीज़ इस वीडियो में देख पाओगे और मेरा फुट मूवमेंट भी देख सकते हो आज कैमरे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला गियर लगाया है, क्लच दबा के धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे, सिर्फ क्लच छोड़ेंगे। गाड़ी देख रह पा रहे हो आप, आगे चल रही है, हल्का हल्का क्लच छोड़ रहा हूँ, पूरा क्लच छोड़ दिया। सेकंड गियर डाल दिया क्लच दबा के और हल्का सा क्लच छोड़ दिया। चलिए अब चलते हैं, हल्की सी स्पीड बढ़ाई है, थर्ड गियर लगा दिया है। लेफ्ट साइड का जजमेंट देख सकते हैं, मैंने टेप लगा रखी है, राइट साइड का भी देख सकते हो। देखिए जब भी आप भीड़ में चलेंगे तो पीछे से गाड़ियाँ हॉर्न भी बजाएंगी, लेकिन आपको अपनी लाइन में और एक स्पीड मेंटेन करके चलना है आगे वाली गाड़ी को देख के। अब मैंने ये पैनिक ब्रेकिंग करी है, इसलिए मुझे क्लच दबा के ब्रेक लगानी पड़ी है। मैं सेकंड गियर में गाड़ी उठा रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड थी ऑलरेडी, अब मुझे फर्स्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज स्पीड 10 से भी नीचे आ चुकी है, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। तो सेकंड गियर में मैं स्टेयरिंग मोड़ रहा हूँ और देखिए फुट मूवमेंट आप देखते रहिए और लेफ्ट साइड राइट साइड जजमेंट भी देखते रहिए। अब आगे एक गोल चक्कर आएगा, मैंने फोर्थ गियर लगा दिया क्लच दबा के। अब कभी भी क्लच पे पैर रख के गाड़ी मत चलाइए, वरना आपका क्लच बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा और मोटा खर्चा आ जाना है। आगे गोल चक्कर आ रहा है, तो देखिए गोल चक्कर में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको लेफ्ट साइड ज़रूर ध्यान रखना है और राइट में भी ध्यान रखना है कौन सी गाड़ी किस तरफ मुड़ रही है। तो देखिए अब गोल चक्कर आ गया, मैं हल्की हल्की ब्रेकिंग करूँगा, क्लच बाद में दबाऊँगा बिकॉज मेरी गाड़ी की स्पीड थी थोड़ी। अब सेकंड गियर में उठा लूँगा बिकॉज 10 की स्पीड है मेरी गाड़ी की। इंडिकेटर दबा के अब आप देखिए गोल चक्कर में ऐसे गाड़ी निकाल सकते हो आराम से, लेकिन चारों तरफ देख लेना एक बार, ORVM, IRVM और नेचुरल आँखों से भी देख सकते हो। तो अब देख लो, क्लच दबा के गाड़ी मत चलाइए, पैर भी मत रखिए क्लच पे। अगर आपको खाली रोड मिल रही है तो आप क्लच छोड़ के भी गाड़ी चला सकते हो आराम से, कंफर्टेबल होके बैठिए। गाड़ी फोर्थ गियर में चल रही है, आगे देखिए गाड़ी को रोकना पड़े, मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, मैंने क्लच अभी तक नहीं दबाया। अब गाड़ी 20 से नीचे आ गया तो मुझे क्लच दबाना पड़ेगा वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। अब मुझे बिल्कुल ब्रेक कर दिया, मैं फर्स्ट गियर मुझे लगाना पड़ेगा तभी गाड़ी मेरी उठ पाएगी, और मैं हल्का हल्का क्लच छोड़ूँगा फिर मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप हाफ क्लच यूज़ करेंगे। अब मैं हाफ क्लच में गाड़ी चला रहा हूँ बिकॉज मुझे 5 की स्पीड चाहिए, 10 की भी नहीं चाहिए। तो मैंने सेकंड गियर लगा दिया है, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल गया गाड़ी चलाने के लिए। अब मैं थर्ड गियर लगा दूंगा हॉर्न बजाते हुए और मैं गाड़ी सीधी सीधी निकाल लूँगा। अब देखिए थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है, हल्का सा एक्सीलेटर मैंने दबा रखा है बिल्कुल। अब मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, तो मैं अभी भी क्लच नहीं दबाऊंगा, लेकिन मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा इसलिए मुझे क्लच दबाना पड़ेगा। तो अब मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ रही है, तो मैं ब्रेक दबा के क्लच दबा दूंगा। अब मैंने सेकंड गियर लगा दिया है, तो देखिए जो लोग नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं वो बिल्कुल रोक के ही खड़े हो जाते हैं, और पीछे का सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन ये सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है शुरू शुरू में, तो आप उसे ऐसे ही हैंडल करिए, रोक के आप जजमेंट ले लीजिए कहाँ से गाड़ी निकालनी है। अब मैंने ब्रेक लिया है, क्लच दबा रखा है, सेकंड गियर मैंने डाल दिया क्योंकि गाड़ी मोशन में, फर्स्ट मैंने नहीं डाला। अगर मैं उस टाइम पे फर्स्ट में डालूंगा तो गाड़ी झटके मारेगी, इंजन पे लोड पड़ेगा एकदम से। मैंने ब्रेक मारा है, अब मैं क्लच दबाऊंगा क्योंकि 20 से नीचे स्पीड आ गई है। सेकंड गियर मैं डाल देता हूँ क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड जजमेंट की बात करें तो ये देखिए ये
ब्लैक वाली टेप से राइट साइड में गाड़ी है, तो मैं आराम से आगे निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया, क्लच दबा के सेकंड डाल दिया, हल्का सा एक्सीलेटर ले रहा हूँ और थर्ड गियर लगा दिया है। सो जजमेंट ऐसे ही आएगा, आप गाड़ी चलाएंगे तभी जजमेंट आएगा आपको। अब मैंने हल्का सा ब्रेक लिया है, मैंने क्लच नहीं दबाया है क्योंकि स्पीड मुझे पता है कंट्रोल में आ सकती है, आगे की गाड़ी रुक नहीं रही है, मोशन में ही है, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं स्पीड बढ़ाऊँगा, मेरी गाड़ी 30 से 40 पे पहुँच गई है, तो मैं फोर्थ गियर लगा दूँगा और अब मुझे पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ रही है, तो इसलिए मुझे थर्ड गियर में गाड़ी डालनी है, इसलिए मुझे क्लच दबाना पड़ेगा, नहीं तो बिना क्लच दबाए भी गाड़ी उठ जाती। लेकिन मुझे अब मैं फोर्थ गियर लगा दिया। तो दोस्तों ऐसे ही गाड़ी चलाइए आप भी, तभी सीख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, और देखिए 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो ऐसा ही कॉन्टेंट मिलता रहेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।